हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निकाली गई नई रिक्रूटमेंट की। इस रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा इंजीनियर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यदि हम बेल की बात करें तो बेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 को की गई थी। बेल में आपको एक साल के लिए इंजीनियर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप बेल में इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, ये एक फुल टाइम जॉब है। यदि हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इंजीनियर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 145। इंजीनियर ट्रेनिंग में मैकेनिकल के लिए 40 पद, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 पद, सिविल के लिए 20 पद, केमिकल के लिए 10 पद, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में HR के लिए 20 पद, फाइनेंस के लिए 25 पद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंजीनियर ट्रेनिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल। यदि आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल में BTech की है तो आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन HR, यदि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा या फिर 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन HR के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस, यदि आपने ग्रेजुएशन की है और आप क्वालिफाइड चार्टर्ड है तो आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन HR के लिए एज लिमिट है 18 से 29 वर्ष। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस के लिए एज लिमिट है 18 से 29 वर्ष। इन पदों पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग रहने वाला है। यदि आपने मैकेनिकल के अलावा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और पावर इंजीनियरिंग में BTech की है तो आप भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी ब्रांचेज और मैकेनिकल के लिए एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। यदि आपने इलेक्ट्रिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग में BTech की है तो आप भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी ब्रांचेज और इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। बेल के द्वारा इंजीनियर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू उसके बाद कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर प्रिपेयर की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में 75% वेटेज एग्जामिनेशन स्कोर की और 25% वेटेज इंटरव्यू स्टेज की रहेगी। ट्रेनिंग, जितने भी कैंडिडेट बेल द्वारा इंजीनियर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में सेलेक्ट होंगे उनकी 1 साल की ट्रेनिंग बेल द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपका बेसिक पे रहेगा 50,000 और पे स्केल रहेगा 50,000 से 1,60,000। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आप बेल में इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करेंगे और उस दौरान आपका पे स्केल रहेगा 60,000 से 1,80,000 और बेसिक पे रहेगी 60,000। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। इन पदों पर आप 16 अप्रैल 2019 से 6 मई 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 25 और 26 मई 2019 को बेल द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
आज की वीडियो में हमने बात की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा निकाली गई नई रिक्रूटमेंट के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।